अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे चने का पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए घी 1 कप, और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बड़ी कट करके डाली थी। प्याज का कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें डाले हैं मैंने खड़े मसाले। खड़े मसाले डालकर जो है इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ चला गया है। अब इसमें मैंने डाला है टमाटर, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। 4 मेरे पास टमाटर थे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 2-3 हरी मिर्चें थी। इसमें मैंने डाले हैं काली मिर्ची और धड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें डाल दी हूँ हरे चने। हरे चने 1 किलो के करीब थे मेरे पास। अब इसकी हम करेंगे अच्छे से भुनाई। जब तक हरे चने की मैं भुनाई कर रही हूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें मैंने डाले थे तेज़पात। तेज़पात डाल के जो है इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसको जो है वहाँ हम गलने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब इसमें डालेंगे हम चावल। चावल मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब थे, वो मैंने भिगो के रख दिए थे। चावल जो है वो मैंने इन चनों में डाल दिए हैं। नमक इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब जो है वो डाले हैं। और अब इसको हम जो है वो पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। ये छोले का पुलाव बहुत मज़े का बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है, लाइट वेट होता है और हेल्दी होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे दम पे। दम इसको जो है वो अच्छे से आ चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। पुदीने के रायते के साथ और अचार के साथ बहुत ही मज़े के लगता है ये छोले का पुलाव। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्पेशल छोले का पुलाव या हरा चने का पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।